सारा कॉन्टेंट डेटा है इन्होंने बनाया है। एक कोई पेज है विक्टर कामरानी के नाम से जिसका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है और उस पर कोई पोस्ट लग जाती और उसको हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जाहिर कर देना। मैं खुद लिख रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ, हमारे दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक पर, दो पेजेस हैं उनके नाम पर जो वेरीफाइड हैं, फेसबुक से वेरीफाइड पेजेस हैं जिसे हम ओन करते हैं। उसके अलावा हम किसी पेज को ओन, मेरे नाम से पता नहीं कितने पेजेस बने, मेरे नाम से कितने ट्विटर अकाउंट या फिक्सड के नाम से बने, अब उससे जो भी बात की जाए तो मैं उसके जिम्मेदार हूँ। इसी तरीके से अब पीपल्स पार्टी के कितने पेजेस होंगे, बिलावल भुट्टो साहब के कितने पेजेस होंगे, अब उस पर हम इससे बातचीत करेंगे नहीं है बिलावल कीबोर्ड सेगमेंट की है, ऐसा नहीं। तो जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ उस पर तनकीद की जाए। चीज ये है, देखें एक चीज बड़ी वाजे मैं आपको बताऊं खुशाक भाई, सिंध में ये, मैं कराची में रहता हूँ, कराची सिंध से बाहर तो नहीं है, सिंध ही है, सिंध का दिल है, सिंध का शहर है। अब मैं कराची की बैठ चुके कराची से मुंतकिल हुआ हूँ, इस पर बात बात कर रहा हूँ। अब आपने यहाँ तक वजाहत की कि भाई वो फेक पेज है, वो फेक आईडी आपके नाम से मंसूब करके, फिक्सिट से मंसूब करके उसको जवाब बना के एक तंकीद का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन हमने देखा विटनेस किया बशमूल मुश्ताक की, लाखों सिंधी जवानों ने विटनेस किया कि बेशक आपका ताल्लुक नहीं, बेशक आपका डिनाइल आ रहा है, लेकिन फिक्सिट की जो बॉडी आपकी, जो जिम्मेदारान है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, उनको मैंने बड़ा गुस्से से जवाब देते हुए देखा, बजाय कि वो वहां तर्दीद कर रहे, लेकिन उन्होंने इस कीचड़ में अपने आप को इन्वॉल्व भी किया और गन को गन से साफ करने की एक कोशिश भी की। तो नहीं समझते कि जब इस तरह की चीजें हो तो आपका ही नोज कंस्पायसी कहाँ होती है, क्या है, तो ये उस एंड पर फिगर नहीं कि आपके अंदर का जो आलमगीरदार है या आपके जो फॉलोअर है जो भुट्टो की उस तस्वीर को, मेरा नाम भी नहीं लेना चाह रहा जिस जगह लगी हुई है, उसको तो डिनाई कर दे, लेकिन जब कमेंट्स की बात आती है, जब पब्लिक डिस्कशन की बात आती है, तो वो फुली भुट्टो को आदरणीय का निशान हमारा था। भाई ठीक है, जो फिक्स्ड की मेंबर है, मैं उसमें से बेदार जो ऑफिशियल मेंबर, सोशल मीडिया पे एक आजादाना किस्म का प्लेटफॉर्म है जिस पे हर कोई आजादाना तरीके से अपनी राय दे सकता है, जिसको हम जानते नहीं है फेक आईडी में क्या है, इस पर कंट्रोल रखना ये मुश्किल या नामुमकिन है, आप भी नहीं कंट्रोल कर सकते आपके नाम से आपसे एसोसिएटेड कितने लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप पर कुछ कंट्रोल नहीं, आपकी अपना जो जाती ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसके जिम्मेदार हैं आप। रही बात कि देखिए मेरे किसी मेंबर ने क्या किसी के लिए दीवारों पे कलम बलोच की, क्या मेरे किसी मेंबर ने कोई धमकियां लगाई किसी को, ये पिछले तीन दिन से धमकियों का सिलसिला, गालम गलोच लिख रहे हैं मेरे दफ्तर पे आके इन्होंने कोई गालम गलोच, मकसद ये है, ये हमने हमेशा, मैंने अपने लोगों को किसी किस्म की ऐसी कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी कि वो अमन से बाहर जाए या इखलाक से बाहर जाए। हमने हमेशा जो भी अपना पैगाम रसाई की आइडियाज की बुनियाद पे, इनोवेशन क्रिएटिविटी की बुनियाद पे। रही बात देखें ये क्यों किया जा रहा है, इनके लीडरशिप, ये जो इनका चीफ मिनिस्टर का असिस्टेंट है उसने ट्वीट किया है, ये सारा उसने इनको उकसाया है। अब ये जो इनके फॉलोअर्स हैं वो ये तहकीक तस्दीक नहीं कर रहे कि भाई ऑफिशियल पेज क्या होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होता है। मेरा खान साहब, आपने भी तरबियत की अपने यंगस्टर्स की के दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर आफ्टर द सिचुएशन जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, मैं वो जो शेयर कराची की यू इंट्रोड्यूस के भाई गटर पर कायमली शाह की तस्वीर लगानी है, गटर पर तस्वीर लगानी है, तो ये तस्वीर का सिलसिला तो शुरू आपने किया। अब जो बंदा कायमली शाह जैसे बुजुर्ग और एक मंजे हुए सियासतदान की तस्वीर गटर पर खुद लगा के फोन करे, तो फिर तो जरूरत है वोटो की, तो ये होनी है चीजें। हमेशा इश्यूज पर बात, मसाइल की निशानदेही की है। उस तस्वीर मुझे बताएं, वो जो तस्वीर बनाई है, वो जो सारा हमारा प्रोग्राम कैंपेन, कोई एक चीज मसाइल से हट किसी के साथ पे हमला किया, इससे बड़ा क्या हमला इजाजत। आपने
टर्म पर टक्कर लगाना, सीवरेज का निजाम बेहतर करना, पानी का निजाम बेहतर करना, ये इदारे इनके पास है। दुनिया भर में ये रशिया में ये ऐसे प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन, उसी चीज को अडॉप्ट करके इंट्रोड्यूस करा है। और ये निशानदेही का एक अंदाज है, हर किसी के पास कोई सैकड़ों हजार लोग नहीं के बहुत जमा करके जुलूस निकाल के एहतजाज करे। मैं मैंने अपने एहतजाज का ये तरीका अपनाया और उनको उनके उनको मुतवज्जा कर देंगे। अल्लाह मेरे घर का घूमता सुने 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 बाबर रियासत है, सुने मेरी बात, आप दुनिया की मिसाल दे रहे हैं। बाबर रियासत है अमेरिकी, वहां पर न कल्चर मिनिस्ट्री है, न रिलीजियस मिनिस्ट्री है, न कोई और ऐसी मिनिस्ट्री है। वहां आने में अपने दहलीज पर अमेरिका का झंडा लगा दो और उस पर मैं जूतों समेत बदल दो, वहां ला नहीं इसका किसी को अरेस्ट कराया,